हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। सो गाइस, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना, और इसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल फॉर लेटेस्ट शेयर मार्केट वीडियो। अब मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। वहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी आपकी क्वेरी हो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइस, हम इस वीडियो में बात करेंगे जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, जो कि जबरदस्त कंडीशन में, आज की बात करें तो एक नया बाउंड्री हाई सेट किया है। इवन काफ़ी सारी कंपनियों ने इसका जो एक टारगेट भी सेट किया है, इवन जिस तरीके से अभी एट प्रेजेंट जो न्यूज आ रही है, काफी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, इवन अगर जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड की बात करें तो। सो गाइस, इसके आज के हाई की बात करें तो 397 रुपए आज का, ये लो की बात करें तो 384 रुपए 40 पैसे इसका आज का लो। बाउंड वीक हाई की बात करें तो 397 रुपए, जो कि एक नया बाउंड वीक हाई आज सेट किया है। सो बाउंड वीक लो की बात करें तो 66 रुपए 50 पैसे इसका बाउंड वीक लो है। मैक्सिमम की बात कर लेते हैं गाइस, तो मैक्सिमम की बात करें तो ऑफकोर्स किसी टाइम पर जो कि काफी ऊपर का शेयर हुआ करता था, अराउंड 750 रुपए 725 रुपए के आसपास का शेयर हुआ करता था अप्रैल 2010 में, और चीजें वहीं पर ही आके टिकने वाली हैं। जिस तरीके से जो अभी रफ्तार पकड़ी हुई है, आप खुद देख सकते हैं कि लॉकडाउन के बाद जो ये चीजें काफी स्टेबल हुई है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इसका बाउंड वीक लो था वो 66 रुपए से अभी जो ऊपर जाके 397 रुपए ऑलरेडी जा चुका है। इट मीन्स कि अराउंड 6% मोर देन 6% ऑलरेडी ये अब जंप कर चुका है मार्केट में, और अभी चीजें बाकी हैं। सो गाइस, इसकी अगर इसके एनालिसिस को चेक करें, चीजें काफी बेटर नजर आ रही हैं। इसमें काफी सारी स्ट्रेंथ भी है, इवन थ्रेट भी है, वीकनेस भी है, अपॉर्चुनिटीज भी हैं। अगर बात करें स्ट्रेंथ की तो स्ट्रॉन्ग क्वार्टर ऑन क्वार्टर अर्निंग पर शेयर ग्रोथ इन रिसेंट रिजल्ट, न्यू 52 वीक्स हाई, इफेक्टिवली यूजिंग इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, ROCE इंप्रूविंग इन लास्ट 2 ईयर्स, ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर, एंड स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटी फ्रॉम कोर बिजनेस, इंप्रूविंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन फॉर लास्ट 2 ईयर्स, कंपनी विद डिक्रीजिंग प्रोमोटर प्लेसो, काफ़ी ऑफकोर्स जो कि काफ़ी बड़ी स्ट्रेंथ है। फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज की है, एंड स्टॉक गेंड मोर देन 20% इन 1 मंथ। सो ऑफकोर्स जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि मोर देन 6 गुना विद इन आई ईयर इसने जंप किया मार्केट में, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, प्राइस अबव शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर वीकनेस की बात करें तो रेड फ्लैग हाई इंटरेस्ट पेमेंट्स कंपेयर टू अर्निंग कंपनीज विद हाई प्रमोटर प्लेस, एंड अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो ब्रोकर इसमें काफ़ी ऊपर का टारगेट सेट कर रहे हैं। इवन पास्ट 3 मंथ्स टर्नओवर कंपनीज लॉस टू प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, सो काफ़ी ऑफकोर्स जो कि काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, जो कि लॉस से प्रॉफिट की तरफ ऑलरेडी जा चुकी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर बात करें तो। नेगेटिव टू पॉजिटिव ग्रोथ इन सेल्स एंड प्रॉफिट विद स्ट्रॉन्ग प्राइस मोमेंटम, हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 वीक्स लो, RSI इंडिकेटिंग प्राइस स्ट्रेंथ, हाई वॉल्यूम, हाई गेन, इनसाइडर्स बोट स्टॉक्स एंड थ्रेट्स की बात करें तो इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम, इनसाइडर शोल्ड स्टॉक्स। सो अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अगर आज की बात करें तो काफ़ी यहाँ पर सेलिंग भी इवन देखने को मिली है, बट आप अगर बात करें जो मार्च के लास्ट वीक की तो काफ़ी बड़ी बाइंग यहाँ पर आपको देखने को मिली है, जस्ट बिकॉज ऑफ की ऑफकोर्स जो कि काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है जिंदल स्टील एंड पावर की बात करें तो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अगर सेंटीमेंट की बात करें तो सेंटीमेंट काफ़ी बेटर, इवन जो कि फेवर में है वो 77% बाय करने का, 12% सेल और 11% होल्ड करने के फेवर में है। और अगर बात करें इसके टारगेट की, जो कि काफ़ी सारी कंपनियों ने इसका टारगेट सेट किया था और ऑलरेडी ये टारगेट अचीव कर चुका है, एक नया टारगेट भी बताऊंगा जो कि एक कंपनी ने सेट किया है और काफ़ी ऊपर का टारगेट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर इसके रेवेन्यू की बात करें तो काफ़ी बेटर है, इवन चीज़ें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें या ईयर ऑन ईयर बात करें, और अगर बात करें नेट प्रॉफिट की तो गाइस ऑफ कोर्स जो कि इसका सितंबर का क्वार्टर टोटली लॉस में था, अगर बात करें दिसंबर क्वार्टर की तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना बड़ा प्रॉफिट इसने अर्न किया था, जो कि 2566 करोड़ का, जो कि लॉस से इमिडिएटली प्लस में आके इतना बड़ा प्रॉफिट अर्न करना, इट मीन्स कि कंपनी में काफ़ी बड़ा दम है, इवन दम तो है ऐसे नहीं बोल सकते, काफ़ी बड़ा दम है इवन। सो अर्निंग पर शेयर की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर जो कि न्यूज़ पॉजिटिव है। अगर बात करें इसकी होल्डिंग की
60% के आसपास इसमें प्रोमोटर होल्डिंग है। अगर बात करें फॉरेन इन्वेस्टर की, जो कि 11.5% से भी ज़्यादा इसमें फॉरेन इन्वेस्टर की होल्डिंग है, और अगर बात करें डोमेस्टिक की तो अराउंड 15.5% के आसपास यहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो मोर देन 12.5% इसमें पब्लिक होल्डिंग है। एंड बात करें म्यूचुअल फंड की तो 1.5% के आसपास म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर जो होल्डिंग है वो इंक्रीज की है दिसंबर क्वार्टर में। और अगर फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। सो गाइज, जो कि ऑफकोर्स जो कि काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, न्यूज़ पर चलते हैं। JSPL शेयर हिट 52-week high ऑन रोबस्ट सेल्स इन जैन टू मार्च क्वार्टर, जो कि लास्ट जो क्वार्टर गया, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट क्वार्टर गया है, इसमें जो सेल हुई है इतनी ज़बरदस्त सेल हुई है, जिसकी वजह से आज ये काफ़ी ऊपर भी गया है। इवन इसने 52-week एक नया 52-week high भी बनाया है। इट सेल्स ड्यूरिंग द क्वार्टर रोज टू 1.91 MT फ्रॉम 1.39 MT a year ago फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर 21। द कंपनी आउटपुट स्टूड एट 7.51 MT, अप 19.2% फ्रॉम 6.3 MT इन द प्रीसीडिंग फिजिकल। सो गाइज, जिंदल स्टील जो कि काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ आ रही है, ये जो कि इसकी सेल है वो काफ़ी इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से आज नया 52-week high सेट किया है। द स्टील मेकर ऑन अप्रैल 5 रिपोर्टेड 34.41% राइज इन इट्स आउटपुट एंड द सेल्स ग्रू 37.41% ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड मार्च 31st। ड्यूरिंग द जैन टू मार्च पीरियड ऑफ 2021 द कंपनी प्रोड्यूस्ड 2.07 million tons ऑफ स्टील कंपेयर टू 1.54 MT इन द ईयर अगो पीरियड ईयर अगो क्वार्टर, JSPL सेड इन अ स्टेटमेंट। सो गाइज, काफ़ी ज़बरदस्त सेल यहाँ पर शो हुई है, जो कि लास्ट क्वार्टर की बात करें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट क्वार्टर था उसकी। सो इन मार्च अलोन द कंपनी सेड इट्स प्रोडक्शन रोज टू 7.3 lakh tons, रजिस्टरिंग 21% ईयर ऑन ईयर अगो ग्रोथ। द सेल्स इन मार्च 2021 वर 61% हायर एट 7.86 LT ओवर द स्टॉक वॉज ट्रेडिंग ऑफ कोर्स, जो कि काफ़ी ऊपर ट्रेड हुआ था। से अगर बात करें जो कि जिंदल स्टील एंड पावर की, नवीन जिंदल लेट जिंदल स्टील एंड पावर विल सेल इट्स एंटायर स्टेक इन द पावर सब्सिडरी जिंदल पावर लिमिटेड इन ऑर्डर टू ब्रिंग डाउन इट्स ओवरऑल टैप टॉप ₹28,000 crore एंड रिड्यूस कार्बन इमिशंस विद इन द ग्रुप सोर्सेज टोल द इकोनॉमिक्स टाइम। द कंपनी हैज रिसीव्ड एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट एंड अ डील विल बी कंक्लूडेड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, दे सेड। सो काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ आ रही है और ये न्यूज़ हर जगह फ्लैश है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बात करें, एक न्यूज़ आई थी जो कि इसी वीक के स्टार्टिंग में 2 अप्रैल को एक न्यूज़ आई थी कि जो क्रेडिट रेटिंग केयर है उसने इसकी रेटिंग को अपग्रेड किया था, जो कि काफ़ी बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी। इवन इसको जो इसके फेवर में न्यूज़ थी, जिंदल स्टील एंड पावर रिसीव्स अपग्रेड इन क्रेडिट रेटिंग्स फ्रॉम केयर। सो केयर करके एक क्रेडिट रेटिंग कंपनी है। जिंदल एंड स्टील पावर अनाउंस दैट केयर रेटिंग्स हैज अपग्रेडेड इट्स रेटिंग फ्रॉम केयर BBB+ विद स्टेबल आउटलुक टू केयर A- विद स्टेबल आउटलुक ऑन द लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड फ्रॉम केयर A2 to केयर A2+ फॉर शॉर्ट टर्म फैसिलिटीज ऑफ जिंदल स्टील एंड पावर। सो काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही है। अगर बात करें इसके टारगेट की, तो ऑफकोर्स गाइस, टारगेट भी जो कि इक्विरस सिक्योरिटीज़ ने इसका टारगेट सेट किया है, जो कि मार्च 25 को सेट किया था, ₹543, जो कि ऑफकोर्स जो कि जिस तरीके से जो अभी एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को देखते हुए ये टारगेट भी अचीव कर लेगा। सो गाइस, ट्राई कर सकते हैं और एक अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बट गाइस, थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि मार्केट का अभी भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी 50,000 के आसपास सेंसेक्स अभी भी फ्लक्चुएट हो रहा है। सो गाइस, थोड़ा सा संभल के इतने ही शेयर लें, इतने पैसे अपने पास रखें, इन फ्यूचर अगर शेयर प्राइस डाउन जाता है तो आप तो उसको एवरेज कर सके। सो वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस, थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो प्लीज़ टेक केयर, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर।